राम राम जी सभी को। स्वागत है इस जिवलॉक्स एंड टेरिस गार्डनिंग के एक और नए व्लॉग्स में। कल वाली वीडियो पर काफ़ी कमेंट थे कि एक्सरसाइज के लिए बेली के लिए, और एक कविता पुनिया बहन है उसका शायद चैनल नहीं है, उसने भी स्पेशली पूछ रखा है और वो पूछती भी रहती है बीच में। तो आज सारी मैंने बेली फैट की ही करी है बहन, तो कल परसों आएगी ये वीडियो मेरी। कल तो मैं एडिटिंग पर ही पूरा दिन मेरा वो हो जाता है, क्यों अकेली होती हूँ काम में, और अगले दिन नहीं आती तो एक दिन छोड़ के आती है मेरी। ये बाद में वॉइस ओवर वगैरह करनी पड़ती है ना, तो एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मेरी आज वाली परसों आएगी। हाँ जी, राम राम। पहले पसीने आया करते, हवा ठंडी ठंडी लग्या करती, अब पसीने आ रहे हों और हवा बिल्कुल दुश्मन जैसी लगती है, ठंडी ठंडी। गर्मियों में उसका और रोल होता हवा का, रिब और ये दुश्मन बन जाती है, और गर्मियों में वही प्यारी प्यारी लग गया कर, बहुत अच्छी हवा चल रही है। पर सिर पर डाल लिया ना, सिर में दर्द हो जाएगा, सिर में आया हुआ है ज़्यादा। 6 बज के 55 मिनट, 5 मिनट रह रही हैं 7 बजने में। जैसे मिर्च मिर्च के पौधे होते हैं तो दिन में बिल्कुल नहीं पता लगता क्या है, इमरोड़िया आया हुआ है नीचे की तरफ से, सारे को आए। इससे अच्छा उससे पहले ही लस्सी का स्प्रे कर दें 2-4 दिन। आज हवा है, आज सारे पेटे हिलने लग रहे हैं थोड़े थोड़े, उधर की तरफ से छत पर दिखने लग रहे हैं, भैया हवा चली हुई है। और उसने और भी कईयों ने पूछ रखी थी, तो सभी के लिए है, मैं बारी बारी सर ही डालती रहूँगी। फिर लगी थी आज मैं सब्जी बनाने, एक्सरसाइज करने के बाद सब्जी में आज साग बन रहा है, तो वो बचा हुआ था तो मैं उसी में ही दोबारा तड़का लगा दिया था। और हमारे खा भी लेते हैं, और साग को तो यूँ कहते हैं ना, जितना बासी होता उतना ही स्वाद लगता है, हमारे को तो लगता है औरों का हमारे को पता नहीं, पर हम तो खाते हैं बासी साग को। फिर अंदर के काम निपटा के नहर में इन पौधा में लगी थी, कई दिन हो गए थे इनमें फर्टिलाइज़र डाले हुए, तो ये 10-12 पौधे के लिए था जो मैं इनमें डाल रही थी। यहाँ को सारे पाम ही होते हैं, तो पाम के लिए ही डाला हुआ था, पानी में मिला के कितने लीटर में और कितना मिलाना होता है, तो उसी को फिर मैं लगी थी करने। क्वांटिटी के हिसाब से ही था, हमने सारी चीज़ें मिक्स करके नरिया बनाया हुआ है, तो वही मैं फिर डाल रही थी। तो ऊपर वाले तो ज़्यादा हो गए, उनकी तो ज़्यादा केयर हो जाती है इनकी तरफ, जब तक नीचे आने का टाइम होता है तो ऊपर जो बनाते हैं तो वो ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए इनको बेचारों को ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला ही देना पड़ता है, कई दिन बाद दिया जाता है, कई बार भूल भी जाते हैं इनको। टाइम हो गया 10:30, तो अपना नहा धो लिया, मेरा काम हो गया, ललिता आई नहीं, तो एक बार कुछ काम था 10 मिनट का, वो जाना था तो वो अब तक आई नहीं, पता नहीं किस टाइम तो आएगी। उसके इंतज़ार में काम और रह जाते हैं। फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लाई, दूध में ओट्स बना के लेके आई हूँ, और जो ड्राई फ्रूट होते हैं मेरे वो डाले हुए हैं, तो आज मैं ओट्स ले रही हूँ अपने, थोड़ा आधे खा भी देखते हैं, थोड़ा हाँ अच्छियाँ सीड्स डाले हुए हैं, जो ड्राई फ्रूट भी होते हैं वो ड्राई फ्रूट डाला हुआ है, और एक्स्ट्रा किशमिश डाल दी थी, और ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होएगा। अब 32 बार में ठंड सी है, मौसम चेंज है आज, और दिनों से लगी ठंड होने, मैंने कॉटन के कपड़े डाला कर दिया, आज निकालने पड़े हैं, है तो थोड़ा सा पंसे का, पर ये डाले जाते हैं इस मौसम में ना, ठंड में ही डाले जाते हैं स्पन वाले, पर लग गया आज जैसे बाहर भी गई ऊपर में छत पे भी दे तो आवाज़ चलने के कारण अभी ठंड है हो रही है आज। हाँ, एक उर्मिला बहन कह रही थी मैं ग्रीन टी में ऐसे नहीं पी सकती, आप क्या मिलाते हो, मैंने बताया भी था उनको कमेंट में, मैं कुछ नहीं मिलाती ग्रीन टी में, मेरे को आदत हो, इस रूम में वो कड़वी कड़वी वैसी लगती है, बाद में अपने आप आदत हो जाती है। 8-9 साल पहले मैं पीने लगी थी, जब तो मैं नींबू मिला लिया करती, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया था, फिर मैं कुछ नहीं मिलाती, अपने गर्म करती हूँ और सिप सिप करके मैं पीती हूँ। आप तो छत पर इतने पौधे लगा रहे हो, तो एक स्टीविया का प्लांट होता है मीठा, तो उसके 2-4 पत्ते तोड़े और पानी में बॉइल्ड कर ले, पानी जैसे बॉइल्ड करते हैं ना पहले, उसमें वो 2-3 पत्ते तोड़े और वो बॉइल्ड कर ले, वो प्लांट लगा लो, ये सलाह देती हूँ मैं आपको। जो ही को ऐसे नहीं पी सकते, थोड़ा हम उसमें मीठा पड़ जाता है, चीनी या गुड़ इन नींबू इनकी बजाय तो वो प्लांट लगा लो, और यहाँ भी अच्छी नर्सरियाँ हैं तो वहाँ भी मिल जाता है ना, ऑनलाइन तो सब कुछ है आजकल। स्टीविया प्लांट आती तो उसकी शुगर भी है, पर उसकी शुगर की बजाय मैं प्लांट को ही प्रेफर करूँगा, प्लांट का ही होना चाहिए, और बाद में तो उसके जैसे ज़्यादा घना हो जाए उसके पत्ते तोड़ कर सुखा लो और किसी में डिब्बा में पैक कर लो, 2-4 पत्ते ही उसमें डाल लो, तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है खाने का, मीठा खाने का। और उसका ये भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप मीठा करोगे तो कड़वा हो जाएगा ना, मीठा सही आता है उसमें। कई बार मैं अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ तो मैं स्टीविया प्लांट के वो पत्ते सुखा रखे हैं, मेरे भी ख़त्म हो गए, बल्कि वो प्लांट भी नहीं है, मेरा प्लांट भी सूख गया, दोबारा देखूँगी कोई नर्सरी में मिला तो उसके पत्ते सुखा कर ना एयरटाइट डिब्बे में भर सकते हो। ऑनलाइन मेरे ख्याल से महंगा है, मैं देख रही थी 200-250 का, पर कई नर्सरियों पे है नहीं ना ऑनलाइन वालियों पर,
तो हमारे यहाँ पता नहीं है कि ना है, ये तो थे तेज पत्ते वगैरह, वो तो मैंने लगा दिए थे, तो एक बार दोबारा मैं भी ट्राई करूँगी, क्यों उसमें कुछ हो गया था उसकी जड़ में ना, बहुत कोशिश करी थी बचाने की पर वो बचा नहीं। लेमन ग्रास अब दोनों मेरे वो हो गए थे, मैं तो लेमन ग्रास की भी वो सुखा रही हूँ पत्तियाँ, सुखाती हूँ उसके छाया में हूँ, धूप में नहीं सुखा करती, उसको भी एक डिब्बे में भर रही हूँ। तो ये काम कर सकते हो आप, स्टीविया प्लांट वाला, इनको गमले में लगा लो, क्यों मैंने देखा है ना आपकी छत पर काफ़ी होता है, तो खा लेती हूँ मैं। और साथ में चल रहा है सिलवंती राणा बहन का भजन, ये चला हुआ है, उनका भजन सुनने लग रही हूँ। वेलकम बैक, टाइम हो रहा 1:30 बजने, नहीं हो रहा है अपना खाना लग रही हूँ बनाने, तो माँ को दया ही मेरी बनने लग रही है, 1 बजे की मामी रोटी खाऊंगी, और पेटा लग रहा है मसाला पाव बनाने। मसाला पाव बनाएगा पहले तो टिक्की को करेगा एयर फ्रायर में, इसको डीप फ्राई नहीं करनी पड़े, ज़्यादा तेल भी नहीं होना चाहिए। टिक्की बना कर रख रहा है, उसमें पोहा मिला रहा है, पता नहीं क्या क्या मिला रहा है, पोहा दे दो मैंने अभी दे दो, दो आधा घंटे से बस यूँ लग रहा है मेरा, प्याज काट दो, अब लहसुन काट दो, तो उसी के उसमें ही लगी हुई थी। पहले उसको लग रहा है प्रीहीट करने एयर फ्रायर को, 1 साल बाद संभाला है यूँ, पहले तो चीज़ों को मंगा लें फिर उसमें यूज ही नहीं करते रहते, 20 साल याद आ गया, अब मैंने फ्राई नहीं करनी वैसे करनी है थोड़ी ही, तो ये निकाल के लाया है, अब इसमें एयर फ्रायर में अब लग गया है डीप फ्राई, डीप फ्राई लगा लो, इसमें कौन सा तेल डाला बस ऊपर ऊपर कोई लगे, तो पहले उसको प्रीहीट करेगा फिर उसमें टिक्की लगाओगा। मसाला पाव देखती हूँ मैं भी, माँ कैसा बनाएगा, पर खाना नहीं है मैंने, मैंने अपनी रोटी बनाई है तो मैं बना देखती हूँ अपनी, तो कई बार तो यूँ इतना बिजी कर लेते हैं बच्चे, तो लग गया रो इनके पीछे। और जो भी खाना खा लो, बाजरे की रोटी है, सैलेड है और साग है और लस्सी है, उधर से बेटे की कटोरिया की खटर पटर कर अलग, तो आधी प्लेट सलाद की है अपनी, बाजरे की रोटी में जितनी कैलोरी होती है, फिर सैलेड अपना यूँ कर लेता है, एक रोटी में 200 पीस कैलोरी हुआ है, इसीलिए एक ही खा करूँ बाजरे की, फिर वह ज़्यादा हो जाए 32 बार करने पर, यूँ करने पर तो वैसे ही फिर एक ही खाई जाती है, दो दो खाई भी नहीं जाती है, अपना लस्सी का गिलास है। साग और सब्जी ज़्यादा मैं रखती हूँ, अपना मसाला पाव बनाने उसके भी देखेंगे चेक करेंगे, खाती नहीं मैं चेक ही करूँगी, मैं नहीं खा करती हूँ, वैसे डीप फ्राई नहीं है, अच्छा है हेल्दी वाला है, पोहा वगैरह मिला के हैं, पर मैं अपनी रोटी ही खाना प्रेफर करती हूँ। और 11 बजे ही आज मेरी इतनी वो यूँ हो गया बैठी बैठी को, बस सो जाऊँ 11:30-12 बजे ही मैं इसको बेटे को बोलने में मैं सो रही हूँ, मेरे को उठाइए मत, बहुत गहरी नींद आई हुई है, छत पर गई थी, छत के काम यूँ के यूँ पड़े हैं, पोते आएंगे ना वो छोड़ के, मैं दोपहर बाद ही देखूँगी आज, तो इतनी गहरी नींद आई ना, एक घंटा ऐसी गहरी नींद, मैं दिन में ही काम करते ही ऐसी सोई, अब उठ कर ना अब यही कर रहा था, पोहा दे दो, प्याज काट दो, लहसुन काट दो, ये कर दो, तो इसको ही फिर अपनी रोटी अपनी बना ली, माँ की भी बना ली, तो खा लेते हो ही। 4 हो गए, 3 बजे ही आई थी, 3:15 बजे ही, तो इस टाइम करण का सही है, बल्कि इस टाइम भी अगर आया जाए ना तो अपनी मेथी तोड़ ली है, एक इसमें भर रही हूँ ना, बास्केट लेने भूली गई थी, तो अपनी चुन्नी में डाल रही हूँ तोड़ कर ना, धूप में तो आओ ना, एक बार अंधेरा हाल लगा है घर में, क्या हो रहा है एकदम, जैसे पता नहीं क्या कुफासी में आ गए, तो मैंने अपनी चाय रख दी है, चाय बनने लग रही, काम करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी, मैं अभी नीचे भी क्या करूँगी जाकर ना, तो कई कमेंट थे आज जो ग्रीन टी के ऊपर थे तो वैसे भी, पर आज कई कमेंट जो ग्रीन टी वाले हैं, आज वाली में नहीं, कई दिन वाली जैसे वीडियो आ रही है तो उन पर ग्रीन टी पे बहुत कमेंट आते हैं, तो एक तो सुबह मैंने दे दिया था, उर्मिला बहन वाला तो मैंने दे ही दिया था, उसको तो बता ही दिया था कि मैं कुछ नहीं लेती ग्रीन टी में, तो क्या वो नहीं, एक दिन और कई दिन पहले कमेंट था जैसे ग्रीन टी पे, मैं ग्रीन टी ऐसे नहीं पी सकती ना, चीनी भी मिला लेती हूँ, दूध भी मिला लेती हूँ, सबसे पहले तो चीनी ऐसे नहीं मिलाती, मेरी जो पीछे वाली वीडियो 21 दिन का जो मैंने करा था, ग्रीन टी पानी बॉयल्ड करके ना और उसमें छोड़नी होती है, छोड़ के पानी बॉयल्ड हो गया और उसके अंदर छोड़ दो और उसको ढक के रख दो 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद पी लो, तो ग्रीन टी का बनाने का तरीका वो होता है, उसमें ना ही दूध मिलाना होता और ना ही मीठा मिलाना होता, अगर दूध और मीठा शहद या वो मिला लिया हमने तो फिर तो इससे अच्छा चाय ही पी लो मीठी, तो फिर ग्रीन टी का नाम मत करो। सबसे बड़ा तो कमेंट ये मेरे कई दिन से दिमाग में घूमता था और ये YT स्टूडियो में है कमेंट कई दिन से, तो मैंने उसमें किया नहीं था, मैं सोचती थी तुम करूँगी रिप्लाई करूँगी, पर आज कई हो गए थे इसलिए रिप्लाई कर रही। और दूसरा ये है, अगर ग्रीन टी आप वैसे नहीं पी सकते तो जैसे गर्म में तो बिल्कुल मैं नहीं डालें, थोड़ा सा गुनगुना पीने लायक ग्रीन टी हो जाए उसमें 1 चम्मच शहद मिला लो, शहद से भी टेस्ट बन जाता है, एक बार टेस्ट बनने पर बात होती है, और ना नींबू है, नींबू मिला लो, जो नींबू वाला पीना चाहते हो तो नींबू वाला मिला सकते हो, तो ये कमेंट थे कई, इसीलिए इनके ऊपर फिर मैंने जवाब दिए हैं आज। ग्रीन टी का ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे पी नहीं जाती, आप 1 महीना 2 महीने 15 दिन 20 दिन जैसे रेगुलर पियोगे ना, दिन में मान ली 3 बार पी रहे हैं, 32 बार वाला चला हुआ है,
वो एक आदत सी हो जाती है, फिर जरूरत नहीं होती कुछ भी मिलाने की। मेरे को तो कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही पी लेते हैं, मेरा बेटा भी ऐसे ही पी लेता, कुछ भी ना मिलाए पीते हैं हम तो दोनों मम्मी बेटा। रात वाली पीता, वो दिन में नहीं पीता, वो लेता रात रात की, क्यों उससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, फैट को तो बर्न बर्न करती है, मेटाबॉलिज्म भी उससे फास्ट होता है। ग्रीन टी का फायदा तो है ही, वो रिलैक्स करती है, वो टेंशन वगैरह हो तो नींद अच्छी आ जाए तो अपने आप ही नहीं टेंशन रहती, वो रिलैक्स करती है तो रात को फिर नींद अच्छी आती है। तो ये चीज़ें हैं ग्रीन टी, ये पीने का तरीका है और इसी तरह बनाने का तरीका है। बनाने का तो मैंने पता नहीं कितनी बार बना कर दिखाई हुई है, तो हर रोज़ ही मेरे ख्याल से डेली ही बनाती हूँ मैं, दो चार दिन बाद एक दिन मैं दिखाई देती हूँ ग्रीन टी बना रही हूँ। मैं बनाकर गर्म पानी करके उसको ऐसे ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद उसको पी लेती हूँ, क्योंकि वो गर्म रहती है ढकने के बाद, 10 मिनट में भी ठंडी नहीं होती तो पी जाती है। ग्रीन टी वो तेरी पी ली, मैं अपनी चाय पी लूँ, अभी दूध वाली चाय पी लूँ, 4 बजे ये पीती हूँ। ये भी मेरी फिक्की है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल फिक्की है, फिक्की ही लूँगी मैं बस, थोड़ी ही मूँगफली लूँगी एक मुट्ठी इसके साथ, और कुछ भी नहीं लूँगी। तो मैं चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राम राम।